बसों की हो रही मौत पर प्रशासन अभी भी सख्त कदम नहीं उठा पा रहा। आए दिन जनपद के तमाम मार्गों पर इनके मृत शरीर पड़े मिलते हैं। गोवंशों की बढ़ती संख्या से राहगीरों को भी खतरा बढ़ रहा है। सरकार ने पिछले दिनों गौशाला बनवाने के लिए करोड़ों का धन आवंटित किया था, किंतु नतीजा यह निकला कि अभी भी गौशालाओं का काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में परेशान किसानों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाया, लेकिन मवेशियों से प्रशासन ने अभी तक निजात नहीं दिलाई। सरनी थाना क्षेत्र के तमाम किसानों से बात करने पर उनकी समस्या सामने आई। किसान अपने खेतों की रक्षा करने के लिए दिन रात अपने खेतों में लगे रहते हैं, फिर भी भारी मात्रा में मवेशी होने के कारण वो खेतों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, और इधर आवारा पशुओं को अपनी भूख मिटाने के लिए किसानों के खेतों का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों ने खेतों की सुरक्षा के लिए तारों का घेराव कर रखा है, जिससे मवेशी खेतों में ना जा सके, पर भूख के आगे सब पीछे है, जिसके कारण तारों में फंसकर मवेशियों की जान जा रही है। ऐसे में अगर प्रशासन इन योजनाओं को सही दिशा ना दे पाए तो आए दिन इन बेजुबानों की मौत होती रहेगी। भैया आपका नाम क्या है? दीप कुमार जी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तारबंदी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जब आवारा पशुओं से परेशान है बहुत, इसीलिए तार जानवरों को रोकने के लिए तार की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, जानवरों से किस प्रकार का नुकसान हो रहा है आपका? अरे फसलों का नुकसान हो रहा है, कोई फसल ही नहीं बच रही है। अच्छा, तो इसके लिए सरकार ने कुछ गौशाला की व्यवस्था नहीं की? नहीं, सरकार ने गौशाला की व्यवस्था की, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक। दादा क्या नाम है आपका? मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला, कौन सा गाँव है आपका? धूरे मऊ। धूरे मऊ, तो आपको जानवरों से किस क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? अरे सब क्या तो खाएदार कतो रहते हैं, रात भर तक को 2 बजे कतो 3 बजे जाओ घर है, उसके बाद जाओ तो फिर यहाँ चरम भिड़े। अच्छा, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी फसल ठीक से नहीं मिल पा रही है? कहाँ, उर्दू मूंग भाई पे नहीं, सब खा डाले, गेहूँ सब खाए डाल दे, बरसीन बोआ रहा है वह सब चेरे डाल, कुछ रह पाओ तो खाऊ उनके मारे। अच्छा, दिनों रात उन्हें मरत रहो फिर खा डाल। तो आपको सरकारी योजना का कोई भी अभी सलूशन नहीं मिला है? कुछ नहीं, कहूँ सरकार कुछ कर देगा। गौशालाओं की व्यवस्था हुई है? कुछ नहीं। अच्छा।